अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आप शोला। इसे बहुत से लोग आप शोला भी कहते हैं और इसके बहुत से लोग कैरी का शरबत भी कहते हैं। बनाना बहुत ही आसान। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं आधा किलो कैरियाँ। कैरियों की डंडल को ऊपर से हटा के कैरियों को अच्छी तरीके से छील लेंगे। कैरियाँ आपको वॉश कर लेनी है, उसके बाद आप कैरियों को छील लीजिए अच्छी तरीके से। तो कैरियों को छीलने के बाद अब यहाँ पे हम 3 कप पानी लेंगे, या इतना पानी लें कि आपकी कैरियाँ उसके अंदर अच्छी तरीके से डूब जाएं और तकरीबन कैरियों से 1-1 इंच ऊपर पानी आपका हो। यहाँ पे इसको 20 से 25 मिनट कैरियों को उबाल लेंगे ताकि कैरियाँ आपकी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है और तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो चूल्हे का फ्लेम बंद करके कैरियों को किसी भी डब्बे में निकालें और इसको ठंडा होने दें, और इसका जो पानी बचा हुआ रिमेनिंग उसको फेंकें नहीं, उसको फिर उसी से हम लोग इस कैरी को ग्राइंड कर लेंगे। तो कैरियाँ तकरीबन हमने अलग कर ली हैं, अब इस पानी को भी हम सेव कर लेंगे ताकि ग्राइंड के वक्त हमें काम आएगा। ब्लेंडर के अंदर कैरी का पल्प ऐड करेंगे। जो हमने कैरियाँ उबाली थी उनको अच्छी तरीके से पल्प निकाल लिया था हम लोगों ने यहाँ पर ठंडा होने के बाद, उसको ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे। जो बॉयल पानी था कैरियों का जो हमने निकाला था उसको ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पानी कम है तो आप इस पानी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मिंट लीव्स ऐड करेंगे, पुदीने के पत्ते। अब इस पल्प को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। दोबारा से सॉस पैन लेके 1 कप पानी ऐड करूँगा इसके अंदर, और ये चाय से छोटा वाला कप है तो यहाँ पर मैं 2 ऐड करूँगा। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं तो आप चीनी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है अपना कैरी का पल्प ऐड कर देंगे जो भी हमने ग्राइंड करा था सारा, और यहाँ पे इसको तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट पकाएंगे ताकि चीनी का जो कच्चापन है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कम्बाइन हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून। अब इसको 10 मिनट तक तकरीबन पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा है इसका टेक्सचर और ना ही तो ज़्यादा पतला है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही रखना है, और इसको यहाँ पे आप किसी भी जार में किसी भी बोतल के अंदर इसको भर के फ्रिज के अंदर आप स्टोर कर लें। 10 से 15 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसको थोड़ा सा निकालें, पानी के अंदर ऐड करें और इसको इन्जॉय करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम आइस क्यूब्स ले लेंगे। बाद जो कैरी का हमने स्कॉच बनाया है वो ऐड करेंगे, प्लस या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पे ठंडा पानी ऐड करेंगे। तो बेहतरीन सा आपशोला हमने तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।